आज 28 मार्च 2019 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1941। चैत्र मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि है रात 10:34 तक और उसके बाद नवमी तिथि। मूल नक्षत्र है सुबह 10:10 तक और उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं आज धनु राशि में। आज कालाष्टमी। मेष राशि वालों के लिए नई उमंग का संचार हो रहा है कि आप कुछ बेहतर कर सके और आज शाम को बुध के मार्गी होने से आपको इस विचार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता बन जाए तो उस पर चलना आसान हो जाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लें और अपनी मेहनत को तराश लें। अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को भी सही दिशा में लगाना होगा ताकि उसका भी पूरा फल मिल सके। ऐसे में लोगों के विचारों को भी समझने की और उनसे तालमेल बिठाए रखने की जरूरत पड़ेगी। वृषभ राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण नजर आ रहा है और अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को भी उसमें इस्तेमाल कर पाएंगे आप। अपने कारोबार में पैसा लगाने का भी सोचना होगा। ये सारी कोशिशें आपकी ज़िंदगी के दबाव को कम करती चली जाएंगी, पर काम के प्रति अपनी एकाग्रता को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय? किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति से बचना होगा। पूरी बात को समझे बिना किसी चीज़ में हाथ डालने से भी बचना होगा। अपने फोकस को बनाए रखने के लिए इसी तरह का समर्पण काम करेगा। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी वजह से अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं और अपने पैसे को लुटाते चले जाने से भी बचना होगा। अगर रोजमर्रा के खर्चे जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी नुकसान की स्थिति ही पैदा कर देते हैं। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी चुनौती को पूरी तरह से ना समझना भी सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए अपनी जागरूकता भी बढ़ानी होगी और अपनी गलतियों से भी बचना होगा। मन में बिठाई हुई परेशानियों को भी थामे रखने से बहुत कुछ संभला रहेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कर्क राशि वालों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पैसे से जुड़े फैसले गलत हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, पर सबसे बड़ी परेशानी इस समय की है कि मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है। इसके चलते अपने आपको आप दुखी और परेशान करते चले जा रहे हैं और इस चीज़ से बचकर निकल जाने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? पारिवारिक परिस्थितियाँ भी कमज़ोर पड़ती चली जा रही। सिर्फ किसी प्यार के बलबूते पे ज़िंदगी की खुशियाँ पाना भी मुश्किल होता है, इसलिए हर कदम पे अपनों को साथ लेके तो चलना ही पड़ेगा। उनके समर्थन से ही कोई बात बन पाएगी। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि कोई भी झगड़ा परेशानियों का कारण बन सकता है। इसके चलते आपको रिश्तों में अपनों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, पर उस इंतहा तक ना पहुँचे, किसी भी झगड़े में पड़े ही नहीं, ताकि हालात वैसे ही संभले रहें। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मुश्किलों से बहुत कुछ सीखने का समय है, ताकि बार बार किसी गलती को करते चले जाने से बचा जा सके। रिश्तों को संभाले रखने के लिए भी यही अच्छाई काम आएगी जो आपके तजुर्बे से जुड़ी हुई होगी। कन्या राशि वालों के लिए हालात उतने मददगार नहीं है जितने कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियों का साथ ही साथ सामना करना पड़ सकता है। आज बुध के मार्गी हो जाने से भी आपकी बिगड़ी हुई सोच को संभाले रखने में मदद मिल सकती है, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मन में अविश्वास बना रहेगा तो कोई ना कोई बात बिगड़ेगी, इसलिए अपने भटकते हुए विचारों को काबू में लाने की जरूरत पड़ेगी। तुला राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बढ़ाने का समय आ गया। ऐसे में आपकी अच्छाई भी उभर कर आएगी और आपकी मेहनत भी उभर कर आएगी और यही चीज़ आपको रिश्तों से जोड़ने में भी मदद करेगी। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई के क्षेत्र में या कामकाज के क्षेत्र में अगर कोई प्यार का रिश्ता उभर आया है तो उसके बारे में ध्यानपूर्वक सोचें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभी आपको पूरी तरह से आभास नहीं है, इसलिए भी अपने कदम सूझबूझ से आगे बढ़ाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनों के करीब आने का समय है। हर रूप से अपनी अच्छाई बनाए रखने से ज़िंदगी की खुशियाँ भी बनी रह सकती हैं और आपसी तालमेल भी बना रहेगा। अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करना चाहेंगे, ये आपकी अच्छाई है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी मेहनत से कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि तकदीर भी आपका साथ देती चली जाए, पर इस अच्छाई का सही जायजा लेना होगा और उसका सही इस्तेमाल करना होगा। अपनी सूझबूझ और अपनी विनम्रता बनाए रखने से लोगों का दिल जीतना आसान हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ बना रहेगा और लोगों की मदद भी मिलती चली जाएगी। कुछ समय से जो आपको लग रहा है कि लोग अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, अब वो भी आपका साथ निभाना चाहेंगे, इसलिए आपके हालात बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाए हुए असमंजस को हटा के अपनी मेहनत को समझने की कोशिश करें और उस अच्छाई को भी समझें जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करती चली जा रही। ज़िंदगी हम सबको कोई ना कोई अच्छा मौका ज़रूर देती है,
और इस समय ऐसे ही किसी अच्छे मौके का फायदा उठाने की जरूरत है। मकर राशि वालों के मन में कई तरह के भटकते हुए विचार हो सकते हैं, पर फिर भी काम की स्थिति अच्छी है और काम से हर तरह का लाभ भी बना हुआ है। ये और बात है कि आप उस लाभ को पूरी तरह से शायद समझ ना पाएं और उसे सहेज ना पाएं, पर उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके काम में सफलता दे सकती है। क्या करना चाहिए समुद्र? कुछ नुकसान अपनी वजह से होता है, कुछ लोगों की वजह से हो जाता है, पर अपनी गलतियों का दोष भी हम लोगों को ही देना चाहते हैं। ये इंसानी फितरत, पर ज़रूरी यह है कि पहले से संभल के चला जाए ताकि किसी भी तरह के नुकसान की स्थिति से बच कर निकल जाया जाए। कुंभ राशि वालों के हालात हर तरह से मददगार हैं। रोजमर्रा की चुनौतियां बनी रह सकती हैं जिन्हें आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं से पूरा कर सकते हैं। आज बुध के मार्गी हो जाने से भी आपके हालात तेजी से आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। ऐसे में रिश्तों की अच्छाई बनाए रखना और रिश्तों से सुख पाना भी आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए समुद्र? पैसे से जुड़े मुद्दों को भली भांति समझना होगा। पैसा गंवाते चले जाने से बचना होगा, इसलिए ज्यादा पैसा जुटाने पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि वो भी आपको नुकसान की ओर ही ले जा सकता है। मीन राशि वाले ये समझ लें कि किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव का विचार आपके मन में बन सकता है, पर कामकाज की स्थिति में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचना होगा। जिंदगी के रोजमर्रा की चुनौतियों की ओर नजर बनाए रखेंगे तो वैसे भी बहुत कुछ संभला रहेगा। क्या करना चाहिए समूह? कई तरह के अच्छे विकल्प बन सकते हैं जिसके चलते अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद मिले।